हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं किसी भी एपी के यंग टर्म्स का समेशन कैसे निकालते हैं। तो आज की जो टॉपिक है टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्लियर है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यंग टर्म्स का समेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे और आफ्टर दैट हम लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई अगर एपी है उसमें कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसीडर एन एपी हैविंग एन टर्म्स। कंसीडर कर लीजिए कि एक एपी है और उसमें कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। और जिसमें इन विच मतलब जिसमें कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, और लास्ट टर्म कितना है, एल है, क्लियर है। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ कि अगर कोई एपी है यदि उसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो आप एपी को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एपी लिखते हैं। तो आल्सो वी मे राइट द गिवन एपी एज, हम एपी कैसे लिखेंगे, आपका ए होगा, ए में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी, फिर डी ऐड करेंगे, ए प्लस टू डी, ऐसे ही चलता जाएगा। और इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि लास्ट टर्म एल से पहले वाला टर्म जस्ट क्या होगा, तो क्या करेंगे, डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एल माइनस डी। मैं आपको बताया हूं कि जब लेफ्ट से राइट में जाइए तो कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते जाइए, लेकिन जब राइट से लेफ्ट में आएंगे तो कॉमन डिफरेंस डी को सब्ट्रैक्ट करते आएंगे और आपका अगला टर्म्स मिलता चला जाएगा। तो देखिए आपका ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसे होगा, लेकिन अगर लास्ट टर्म एल है तो एल से पहले आपके एल माइनस डी, अब इससे पहले क्या एल माइनस डी में फिर डी सब्ट्रैक्ट करिए तो एल माइनस क्या हो जाएगा, टू डी। अब आपका ये एपी हो गया। और मान लीजिए कि इस एपी के जो समेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस एन से, मतलब कि लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी। मान लीजिए जो एस एन है इस एपी के एन टर्म का समेशन है, मतलब कहने का मतलब आपका जो एपी है उसके समेशन को किससे डिनोट किया जा रहा है, एस एन से डिनोट किया जा रहा है। तो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 प्लस एल माइनस टू डी एल माइनस डी प्लस एल, मतलब इन सबको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, क्लियर है। क्योंकि एस एन का मतलब ही होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें टोटल एन टर्म्स है और एन टर्म्स के टोटल को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया और इसको इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, फर्स्ट। कोई दिक्कत, अब देखिए आगे। अब इसी सीरीज को देखिए, अब सीरीज बन चुका है आपका, यह सिक्वेंस था, इसी सिक्वेंस को किसमें प्लस के रूप में लिख दिया गया, ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। तो देखिए राइटिंग द एबव सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब इसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, उसके बाद एल माइनस डी लिखेंगे, एल माइनस टू डी लिखेंगे, फिर प्लस डॉट डॉट, आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी ए प्लस डी ए, देख सकते हैं ऐसा, मतलब इसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, क्लियर है। अगर ये एस एन के इक्वल है तो ये भी एस एन के इक्वल ही होगा, क्योंकि बस इसी सीरीज को बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे 2+3 या 3+2, आपका समेशन 5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी एस एन के इक्वल, तो ये भी एस एन के इक्वल ही होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में ऐड कर दीजिए। तो देखिए एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, 2 एस एन, जैसे एक्स प्लस एक्स 2x होता है, उसी प्रकार से आपका एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, 2 एस एन। अब देखिए ऐड कैसे करेंगे, देखिए आपका ए है और यहाँ क्या है, एल है, कितना हो जाएगा, ए प्लस एल, ए प्लस एल, देख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको और इसको ऐड कर दिया गया, आपको क्या हो गया, ए प्लस एल हो गया। अब देखिए ए प्लस डी और यहाँ भी क्या है, आपका ए एल माइनस डी है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, आपका ए प्लस कितना हो जाएगा, एल, देख सकते हैं ए प्लस एल हो गया। उसके बाद देखिए ए प्लस टू डी है और यहाँ कितना है, एल माइनस टू डी है, तो टू डी से माइनस टू डी कैंसिल, ए प्लस कितना हो जाएगा, आपका एल, देख सकते हैं। अब इधर आ जाइए, एल माइनस यहाँ टू डी है और यहाँ देख सकते हैं आपका ए प्लस कितना है, टू डी है, तो टू डी से टू डी कैंसिल,
ए प्लस एल, क्लियर है आपका ए प्लस एल प्लस आता रहेगा। देखिए एल माइनस डी, और यहां देखिए क्या आपका ए प्लस डी, डी से डी कैंसिल, ए प्लस एल, और यहां भी ए प्लस एल, तो मतलब ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितने टाइम्स आएगा, एन टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, तो उसका समेशन भी कितने टर्म्स तक होगा, एन टर्म्स तक होगा। मतलब आपका सब मिला जुला के ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितने टाइम्स तक आएगा, ये आपका एन टाइम्स तक आएगा, क्लियर है, ए एन टाइम्स तक आपका आएगा। तो देखिए a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल अगर n टाइम्स तक जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपका जैसे मान लीजिए 2 है, क्या है 2 है, अगर 2 को अगर n टाइम्स तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2n होएगा। देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स तक, अगर ये आपका मान लीजिए प्लस डा डा डा, अगर n टाइम्स तक जुड़ता है, n टाइम्स तक जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n। अगर 2 कितने टाइम्स तक जुड़ता है, मान लीजिए 10 टाइम तक जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका ए प्लस एल अगर n टाइम्स तक जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या निकालना है, एसन निकालना है, सो एसन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसन इज इक्वल टू करेंगे हम तो आपका जो 2 है नीचे चला जाएगा, मतलब n बाई 2 ए प्लस क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अब देखिए, और आपको एक फार्मूला पता होगा कि लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता है फार्मूला। अब क्या करिए कि इसी एल के जगह, इसी एल के जगह क्या कर दीजिए आप फार्मूला रख दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपका क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ए तो आपका है ही ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि ए आपका ऑलरेडी है ही, इस एल के जगह क्या रख दिया गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस ए कितना हो गया आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब समेशन के आपके दो फॉर्मूले पता हो गए कौन कौन, एक एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, मतलब जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो लास्ट टर्म दिया हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्लियर है। अगर आपका दिया हो कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो और ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हो और उसके बाद क्या दिया हो डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मतलब आपका एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला क्या एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इसका जस्ट अभी आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए।